वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजबराज आपके सामने एक्सट्रीम 125R। और ये जो बाइक है थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि भैया को दी है इनकी मदर ने गिफ्ट। भैया का बर्थडे है आज, तो बर्थडे विश करेंगे उनको पहले नहीं बाद में, पहले दिखाएंगे इस बाइक की मॉडिफिकेशन जो कि भैया को भैया की मॉम ने गिफ्ट करी है कि इसमें हमने क्या क्या किया गया है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर लगा दिया गया है ये है इसका वाइज़र जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर देखते हो मैं ये प्रॉपर फिटिंग वाला वाइजर इसके इंस्टॉल करता हूँ जिससे लुक हो जाते हैं काफ़ी इनहेंस और ऐसा लगता है शायद कंपनी से ये लगी हुई आ रही हो। और वैसे तो कंपनी वालों ने बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी है, वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा आपको कंपनी वालों को क्या एक इसके अंदर फॉल्ट रहा है, ठीक है ना। पहले आप इसमें लुक देख लिया आपने, उसके बाद में नीचे देखने को मिलेगी सेफ्टी प्लस लुक। ही देखिए ये होता है आपका शॉक प्रोटेक्शन, ये होता है आपका फॉक्स रेडर, ये सेफ्टी भी हो जाती है इससे शॉकर और मडगार्ड की, साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है लगने के बाद। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर व्हील कवर, देख सकते हो ये भी लगा दिया गया जिससे लुक को और चार चांद लग जाते हैं इसके अलावे, ऐसा लगता है काफ़ी अलग डिफरेंट अलावे हैं उस तरीके के। और जैसे कि आपने इस तरफ देखा सेम देख लो इस तरफ, ये आपका व्हील कवर और आपका शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स रेडर। इधर एक भैया ने डिस्क लॉक ले रखा है जिससे कि कहीं भी लगाएं तो थोड़ी सेफ्टी के लिए डिस्क लॉक भी यूज़ होता है इसके अंदर। और बाकी आप चाहो तो सेंट्रल वगैरह भी लगा सकते हो या GPS वगैरह लगा, वो भी इसके अंदर ईजिली लग जाता है। इधर आपको देखने मिलेगा क्रैश गार्ड, क्योंकि आपको पता है क्रैश गार्ड में हमेशा टॉप टू टॉप क्वालिटी लगा जाओ, बाइक कोई सी भी हो चाहे स्कूटी कोई सी हो लो क्वालिटी में यूज़ करता नहीं। जिसके अंदर मिलेगा आपको ड्यूल स्लाइडर एक इधर जिसमें आपको पता है कि इसमें मैं खड़ा होकर दिखाया था और वीडियो में कि इतना हैवी है ना ये कि आपकी गाड़ी बाई चांस गिरती है, स्किट होते कुछ भी होता ना तो आपका पूरा टैंक पूरा TPFC पूरे खुद के लैक्स ये होते हैं इससे सेफ। और सेफ्टी फीचर के साथ इसकी फिटमेंट चेकआउट कराया था आपको, देखिए एक फिटिंग मिलेगी इस तरफ, एक मिलेगी इस तरफ और एक मिलती है आपको फ्रंट की तरफ। और जो नॉर्मल लोग लगाते हैं उसके अंदर आपको बता दूँ क्या क्या इधर आइए उसके अंदर फिटमेंट बता दूँ क्या होता है। जैसे ये जो यहाँ फिटमेंट है ना, यहाँ की जगह आपको फिटमेंट मिलेगी आपको अंदर की तरफ जो जुगाड़ होता है पत्ती वाला होता है, सेम इधर इसकी जैसे यहाँ पर फिटिंग है ना उसका भी आपको मिलेगा पत्ती वाला जुगाड़, सेम इधर वो भी पत्ती वाला। तो पत्ती वाला क्या होता है, जैसे इसके अंदर तो पता है ना कि खड़े होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, उसके अंदर क्या होता है अगर किसी ने अगर खींच भी ना तो वो पत्ती टूट के निकल जाएगा, तो इसलिए वो लो क्वालिटी का ना लगवाएं। जब भी लगवाएं टॉप क्वालिटी लगाओगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। और उसके बाद साथ में देखने मिलेगा इसके अंदर ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर लगा दिया जिससे इसका ब्रेक पैंडल काफ़ी लार्ज, जैसे कि ब्रेक मारते हैं देखिए बारिशों का मौसम है ब्रेक मारे स्किट वगैरह होने का खतरा बिल्कुल ही हो जाता है ख़त्म इसे लगने के बाद। और इस साइड में देखने मिलेगा इसके अंदर गियर शॉक्स, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है जिससे आपका शूज़ कभी भी ख़राब नहीं होता है और लुक भी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। देखने मिलेगा इसके अंदर साइड स्टैंड जैकेट जो लगा दी गई इसके अंदर, इसे लगाने से क्या होता है एक तो आपकी बाइक ना स्टेबल खड़ी रहेगी, दूसरा आपका स्टैंड भी नहीं घिसेगा बिल्कुल भी। और एक भैया को कंपनी ने चीज़ लगा के दी है, कॉस्ट कटिंग वाले दिखाता हूँ, ये देखिए ये लेडीज़ फुटरेस्ट कंपनी ने लगा के दिया है, मैं तो सोच रहा था शायद भैया ने कहीं और से लगाया बट भैया ने कहा ये कंपनी ने लगा के दिया है। तो देखो कितनी कॉस्ट कटिंग है, पैसे ले रहे हैं वो लेडीज़ फुटरेस्ट के बट दिया गया है जो जर्मन जो मेरी वीडियोज़ में देखते हो वो मैंने आपको बताया दिखाया था वो इतना होता है ऊपर और ये इतना नीचे है, तो समझ सकते हो आप ये है आपका N160 का जो कि इसके अंदर लगा दी गई कंपनी की तरफ से। ये आपने देखा इसका लेडीज़ फुटर जो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। और इसकी ऑल अबाउट अभी ये क्या है, अभी भैया ने थोड़ा बहुत काम कराया इसके अंदर और बाकी भैया आएंगे नेक्स्ट टाइम तब दिखाएंगे इसके अंदर और बाकी मॉडल। पार्ट वन है, पार्ट टू के लिए भी तैयार है जल्दी और मैं मिलाता हूँ भैया से जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा। आइए सर, तो पहले बताओ हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। और ये भैया का बर्थडे था, भैया को मैंने एक चीज़ गिफ्ट करी है इसके अंदर, क्या करा मैंने मैं तो भूल गया, ब्रेक का वो ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर। हाँ जी, ये मैंने किया भैया गिफ्ट अपनी तरफ से, क्योंकि यार आपको पता है वैसे भी गिफ्ट तो मैं देता रहता हूँ बट कुछ अच्छा हो जो कि यूज़ भी है तो ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर। थैंक यू भैया। और बताइए सर कैसे हैं आप और कहाँ से हैं? मैं सर नागलोई से आया हूँ, न्यालवर मेरा घर है और आपके पास आपसे मिलने का मेरा मन भी था और मैं आके मिल भी लिया आपसे और काम भी अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा आपके पास। सब कुछ अच्छा लगा आपको? जी जी। ऐसा नहीं मेरे पीछे स्टाफ से कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्टाफ भी अच्छा, मेरे से बातचीत में भी बढ़िया लगा और आपसे मिलने का मैं वेट कर रहा था। ऐसा नहीं है आज मैं गलती से लेट हो गया, वैसे मैं लेट होता नहीं हूँ। तो ऑल ओवर सेटिस्फाइड है आप? जी जी जी। और कोई और आना चाहे हमारा भाई बंधु तो आ सकता है? बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो और आदमी से बोलूँगा आने के लिए। चलो जी, तो ये तो भैया थैंक यू सो मच सर आने के लिए। तो इनका तो काम हो चुका है इनकी बाइक का, आपको भी कराना कोई भी काम तो आप आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर। जब भी आते हो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन एड्रेस सब डला हुआ है, निकालने नहीं मिलता है वहाँ से तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217
जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो उस पर भी कॉल करके व्हाट्सअप करके लोकेशन मंगा सकते हो, या कोई भी क्वारीज वगैरह तो पूछ सकते हो, या मंगाना चाहो तो कहीं भी ऑल इंडिया मंगा सकते हो। तो वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें राजू भाई को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर, से मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।